एक चीज़ और देखा गया है कि जो आप जाते हैं तो 400 रुपये का, 500 रुपये का एक ही क्वालिटी का माल जो है आप जो है 50 पीस, 60 पीस, 80 पीस लेके आके अपने दुकान को भर देते हैं। तो दुकान भर देने से दुकान नहीं चलेगी, दुकान को सिस्टमेट से चलाइएगा तब चलेगी, दिमाग लगाइएगा, नॉलेज लगाइएगा ख़रीदारी करने में तब चलेगी जो है, डिस्प्ले बनाइएगा, रख रखाव अच्छा करिएगा तब चलेगी जो है। आपके शॉप पे, आपके दुकान पे कहीं गर्दा लगा है, तो कहीं सफाई नहीं है, तो कहीं कोई कपड़ा लटक रहा है, तो कोई ऐसे रख रखाव भी जो है आपका अच्छा नहीं है। ठीक है दोस्तों मित्रों, कैसे हो आप? मैं तो यही आशा करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, और मेरी यही दुआ भी है कि आप खैरियत से रहिए, खुशहाल रहिए। दोस्तों मित्रों, आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। आपके अगल बगल की एक दो दुकानें बहुत ही बढ़िया चलती हैं, लेकिन आप जो है बैठे ही रह जाते हैं, आपके पास ग्राहक आते भी हैं तो ख़रीदारी नहीं कर पाते जो है। आपके पास ग्राहक आते हैं तो आपका सामान देखते हैं, और देखने के बाद ऐसा कीमत लगा देते हैं, ऐसा दाम लगा देते हैं जिससे आपका सामान जो है पटता नहीं है, जो है ग्राहक के मुताबिक दाम बैठता नहीं है, और आप जो है अपने सामान को बेच नहीं पाते हैं। लेकिन आपके अगल बगल की जो कुछ दुकानें हैं बहुत ही बढ़िया चलती हैं, तो आज मैं इसी पे बात करूंगा, इसी पे चर्चा करूंगा कि आप जो है कैसे जो है अपने शॉप पे जो है अपने ग्राहकों के साथ कैसे बात करें, अपने सामान को, अपने कपड़े को किस तरह से जो है ख़रीदारी करके लाएं, इससे कि आपके भी जो है दुकान पे जो है बहुत से ग्राहक आएँ, और जो आपके सामने की दुकान चलती हैं वो भी जो है आपके आइडिया और आपके तरीका को देख के परेशान हो जाए। दोस्तों मित्रों, बहुत दुकानदारी में जो है जिसके पास पूंजी नहीं होता है, जिसके पास पैसे कम होते हैं, उनको अपनी दुकानदारी चलाने के लिए टेक्निक की ज़रूरत होती है, आइडिया की ज़रूरत होती है। अगर देखिए बिजनेस में ऐसे भी कुछ छोटे छोटे दुकानदार हैं कि जो अपने टेक्निक और अपने आइडिया की बदौलत जो है अपनी दुकान को बहुत ही बढ़िया चलाते हैं। मैंने जो है बारहा जो है मार्केटों में घूम घूम करके ऐसे दुकानदारों को देखा है, जो है ऐसे दुकानदारों से जो है मिला है, और मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस जो है कपड़े के बिज़नेस में जो है, मैं भी जो है एक मेरी भी रिटेल शॉप है जो है, थोड़ा बहुत जो है होलसेल का भी जो है काम है जो है, तो मेरा भी जो है एक अनुभव है जो है, मैं भी जो है एक टेक्निक से जो है उस बिज़नेस को करता हूँ जो है। तो आज इसी को बात करूँगा, इसी पे बात करूँगा आपसे जो है। मैं यही निवेदन करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली हर एक मोटिवेशनल टिप्स, अच्छी अच्छी बातें आपके यहाँ पहुँचे, और आप भी जो है कुछ नॉलेज हासिल करके जो है अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, अपने बिजनेस को आगे कर सकें। तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों देखिए, जो आपके सामने की दुकान है, जो आपके अगल बगल की दुकान है, जो दुकानें अच्छी चलती हैं, उनका रीज़न ये होता है कि आप उनके पास जो है बहुत इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया होता है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट के मुताबिक, ज़्यादा पूंजी होने के मुताबिक उनके पास ख़रीदारी भी बहुत जो है कायदे की होती है जो है। जबकि आपके पास पूंजी जो है आपके पास कम है, आपके पास जो है लागत भी आपके पास कम है, आप पूंजी से और लागत से परेशान रहते हैं, इस वजह से जो है आपके यहाँ ग्राहक आते हैं मगर सामान जो है सेट नहीं हो पाता है, जो है कीमत सेट नहीं हो पाता, इसी वजह से आप बिक्री नहीं कर पाते हैं। इसमें एक चीज़ का एक ये भी है कि आप अपने जो है जो फ्रंट का जो है लोकेशन है, जो फ्रंट का गेटअप है, ये भी नहीं बना पाते हैं। मैं बारहा जो है मार्केटों में घूम घूम करके देखा हूँ कि जो वायरल दुकानें होती हैं उनकी दुकानें चलती हैं, तो उनके चलने का वजह भी होता है उनके सामान का रख रखाव, उनके जब जो फ्रंट का लोकेशन होता है वो भी जो है बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो आप भी जो है जब मार्केट में कहीं जाया करें, शहर वगैरह में जाया करें, या फिर जिनकी दुकानें अच्छी चलती हैं उनकी रेकी करें,
तो आप उनको अंदाज़ा लगाएं कि वो सामान कैसे रखे हैं अपने अपने शॉप पे, जो है क्या जो है डिस्प्ले किए हैं, क्या जो है कौन सा कपड़ा टांगे हैं, किस किस्म का कपड़ा, किस क्वालिटी का कपड़ा, किस रेट का कपड़ा जो है वो टांगे हैं, डिस्प्ले किए हैं फ्रंट पे अपने, तो ये सब देखें। और आप भी जो है अपने दिमाग को जो दौड़ाएं और इसी तरीके से अपने भी जो है साफ करें। देखिए जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप उनसे अच्छा बिक्री करना चाहते हैं तो सबसे जो है मेन पॉइंट है आपको ख़रीदारी एक ऐसे अंदाज से करना होगा, एक ऐसे तरीके से करना होगा कि आप कामयाब हो जाएं। तो आपको मैं एक एक यही पॉइंट जो है आपको दूंगा कि आप ख़रीदारी करें। जैसे जो है मान के चलिए आप साड़ी बेच रहे हैं और आपके पास पैसे जो है साड़ी के लिए पूंजी बहुत कम है जो है, तो आप जब साड़ी के लिए ख़रीदारी करने जाएं, अगर 10,000 रुपये ही लेकर के जाएं, तो अपने जो इलाके के जो इर्द गिर्द शहर के जो होलसेलर हैं उनसे संपर्क करें और उनके यहाँ जाएं, तो आप जो है 150 रुपये ख़रीदारी की साड़ी ख़रीदें और सिर्फ 10 पीस ख़रीद लें जो है। इसके बाद जो है 200 रुपये ख़रीदारी की साड़ी आप 10 पीस ख़रीद लें जो है। इसके बाद जो है आप 250 रुपये ख़रीदारी साड़ी जो है आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ 4 पीस ख़रीद लें, और 300 रुपये की ख़रीदारी की साड़ी सिर्फ 4 पीस ख़रीद लें। मैं ये बता रहा हूँ अगर आपके पास पूंजी कम हो तब जो है। देखिए आपसे निवेदन करूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, अगर आप वीडियो अच्छे तरीके से देखेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो है। तो 10,000 रुपये में जो है 4-5 क्वालिटी की ख़रीदारी करिए। लेकिन अगर आपके शॉप पे जो है नीचे जो है पायदान से, देखिए कोई भी आदमी चलता है तो सस्ता और बढ़िया खोजता है, तो 150 रुपये से लेके 600 रुपये तक अगर लूज साड़ी की ख़रीदारी करेंगे तो बहुत बढ़िया मिलेगा, बहुत उम्दा मिलेगा। तो अगर आपकी ख़रीदारी कीमत से होगी तो जो आपके पास ग्राहक आएगा उसे आप जो उसमें से सामान दिखाएंगे तो गारंटी के साथ जो है पसंद हो जाएगा और वो जो है उनको कीमत भी जो है आपका सस्ता लगेगा, बढ़िया लगेगा। अगर आप जैसे मान लीजिए रेडीमेड कपड़ा बेचते हैं और जो है लोअर और बेचते हैं, टी शर्ट बेचते हैं, तो अधिकतर देखा जाता है कि जो शॉप पे जो है आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ होता है, जो बॉक्स वाला होता है, जो महंगा महंगा सामान होता है, आप उसी को ला करके अपने शॉप पे रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लोअर ख़रीदा तो ये 200 रुपये 180 रुपये के ख़रीदारी का ख़रीद लिया, 250 रुपये ख़रीदारी का लोअर ख़रीद लिया, 300 रुपये ख़रीदारी का लोअर ख़रीद लिया। मैं ये नहीं करता हूँ, आप अच्छी क्वालिटी का रखिए, लेकिन जो है जो मार्केट में ग्राहक होते हैं वो 75% मीडियम रेंज की ख़रीदारी करने वाले होते हैं, 25% जो है अच्छे क्वालिटी का ख़रीदारी करने वाले होते हैं। तो भाई 75% मान लीजिए या 65% जो ख़रीदारी करने वाले हैं वो मीडियम क्वालिटी के हैं, तो आपके शॉप पे मीडियम क्वालिटी का सामान भी कम से कम 50% होना चाहिए, और 50% VIP किस्म का होना चाहिए। और आप ख़रीदारी करने में ही मिस्टेक करते हैं, मैं बारहा यही बातें जो है कहता हूँ, ख़रीदारी करने का तरीका सीख लीजिए। अब जैसे आपको लोअर ख़रीदना है तो आप 100 रुपये का लोअर नहीं ख़रीदते हैं, सोचते हैं कि ये लोअर ख़राब हो जाएगा, ये लोअर बढ़िया नहीं, 100 रुपये का ही जो है अच्छी क्वालिटी का, जो मजबूत हो, जो जिसका कपड़ा अच्छा हो, जो क्वालिटी में हो, उसी को ख़रीदारी करिए। अब ग्राहक को भी जो है आएगा आपके पास तो जो है सस्ता अगर लेने वाला ग्राहक रहेगा, 4 पीस ख़रीद लीजिए, ज़्यादा नहीं सिर्फ जो है 4 पीस, और जो है 4 पीस जो है 120-125 का ख़रीद लीजिए, 4 पीस 150 का ख़रीद लीजिए, 4 पीस 200 रुपये का ख़रीद लीजिए। इसके बाद जो अगर हाफ पैंट जो है कैफरी वगैरह ख़रीदते हैं तो 80 रुपये में कैफरी ख़रीद लीजिए, 90 रुपये, 100 रुपये में, 125-150 रुपये में। आप जाते हैं तो सिर्फ 200 रुपये की ख़रीदारी वाला लाते हैं, भाई 200 वाला का लाएँगे तो आपको ग्राहक को 300 बताएँगे ना, और ग्राहक को जो है जबकि चाहिए 200 रुपये में, तो आपको तो सामान महंगा लगेगा, तो सामने वाली दुकान पे जाएगा तो सामने वाली की दुकान अच्छी चलेगी जो है, जबकि सामने वाले के पास मेल ज़्यादा है, पूंजी ज़्यादा है, तो मेल और पूंजी के हिसाब से वो ग्राहक को पहचानता है, और ग्राहक को पहचानने के बाद जो ग्राहक पैसे वाले होते हैं उनको महंगा सामान दिखाता है, अच्छा सामान दे देता है, और जो ग्राहक जो है सस्ता ख़रीदारी करने वाले होते हैं उनको उसको सस्ता सामान दे देता है। तो ये चीज़ जो है आप जो है कैच नहीं कर पाते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही दो क्वालिटी की ख़रीदारी करके ला देते हैं। अगर आप जींस पैंट बेचते हैं, और देखिए जींस पैंट जब आप ख़रीदारी करने जाते हैं तो 500 रुपये की का जींस पैंट, 600 रुपये का जींस पैंट, 700-800 रुपये का जींस पैंट अपने शॉप पे ख़रीद के ला के रख देते हैं।
और यही आप मिस्टेक करते हैं। जो है आप 600 रुपये का 700 रुपये का जींस पैंट खरीद के लाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है उस पर जो है 30% 35% ऐड करेंगे, तो जो ग्राहक आएंगे, जो स्टूडेंट आएंगे, मान लीजिए कम पैसे वाले मध्यम वाले, तो वो आपकी ख़रीदारी नहीं कर पाएंगे। जो है आपके सामने वाले पे जाएंगे उसके पास 200 रुपये का भी है, 300 रुपये का भी है, 400 रुपये का भी है। तो जो है आप सिर्फ़ और सिर्फ आइडिया लगाइए, जो है आइडिया लगाइए। जब 10,000 रुपये का जींस पैंट खरीदने जाइए आप, तो 200 रुपये ख़रीदारी का 4 पीस खरीद लीजिए, 250 रुपये ख़रीदारी का 4 पीस खरीद लीजिए, और 350 रुपये ख़रीदारी का 4 पीस खरीद लीजिए। और इसके लिए जो है आप बहुत दूर न जाइए, अपने नज़दीक के जो होलसेलर हैं आप उन्हीं से ख़रीदारी करिए। मैं आपसे बता रहा हूँ, आप कामयाब हो जाएंगे। और जो है इसके बाद जो है, और देखिए एक चीज़ और देखा गया है कि जो आप जाते हैं तो 400 रुपये का 500 रुपये का एक ही क्वालिटी का माल जो है आप जो है 50 पीस 60 पीस 80 पीस लेके आके अपने दुकान को भर देते हैं। तो दुकान भर देने से दुकान नहीं चलेगी, दुकान को सिस्टमेट से चलाइएगा तब चलेगी, दिमाग लगाइएगा, नॉलेज लगाइएगा ख़रीदारी करने में तब चलेगी। जो है डिस्प्ले बनाइएगा, रख रखाव अच्छा करिएगा तब चलेगी। जो है आपके शॉप पे, आपके दुकान पे कहीं गर्दा लगा है, तो कहीं सफाई नहीं है, तो कहीं कोई कपड़ा लटक रहा है, तो कोई ऐसे रख रखाव भी जो है आपका अच्छा नहीं है, तो सामने वाला जो है उसके पास पूंजी है, बैलेंस है, अगल बगल वाले के पास पूंजी है, बैलेंस है, और आपके पास जो पूंजी है बैलेंस है, सब महंगा महंगा एक ही शॉप एक ही होलसेलर को पकड़े हैं, उसी के यहाँ बार बार जाते हैं, उसी से उधार लेते हैं, उसी से नगद लेते हैं, और एक ही के पास जाते हैं। जो है हर शहर में जो है 10-10, 20-20 होलसेलर होते हैं बेचने वाले कपड़ा, तो जो है सबसे लीजिए और जो है आइडिया से ख़रीदारी करिए। अब जैसे मान के चलिए आपको शर्ट जो है आप बेचते हैं, रेडीमेड शर्ट, तो रेडीमेड शर्ट बेचते हैं तो जब आप साफ ख़रीदारी करने जाते हैं तो जो है 500, 600, 700, 800 रुपये का बॉक्स वाला लेके आके रखते हैं। भाई आपके पास 150 रुपये का भी ख़रीदारी का होना चाहिए, अगर 100 रुपये में भी मिल जाए तो कम से कम सिर्फ 4 पीस ले लीजिए, 150 रुपये में सिर्फ 4 पीस ले लीजिए, 10 पीस ले लीजिए, और जो है 200 रुपये में ले लीजिए, 250 रुपये में ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा यानी कि 50 पीस सिर्फ रखिए जो है शर्ट, और 50 पीस में जो है मेल बना के रखिए। हर हफ्ते में ख़रीदारी करिए, हर हफ्ते में ख़रीदारी करिए, इससे आपका सामान बिकता रहेगा, सामान आपके यहाँ हर समय जो है आता रहेगा जाता रहेगा, आपके पास पूँजी फंसेगी नहीं, माल बिकता रहेगा आता जाता रहेगा, और जो है थोड़ी थोड़ी ख़रीदारी करेंगे आप जो है कामयाब होंगे। मैं बता रहा हूँ कि बड़ी दुकानों को छोड़ करके ग्राहक जो है आपके छोटी दुकान से ही जो है ख़रीदारी करेंगे। तो ये सब जो मैं बातें बताया हूँ जो है इस पर आप गौर करिए। जो है जब आपके पास ग्राहक आता है और आपसे जो है मान लीजिए शर्ट मांगता है, तो आप शर्ट दिखाते हैं और उसका कीमत बताते हैं 500 रुपये, उसका कीमत बताते हैं 800 रुपये, उसका कीमत बताते हैं 600 रुपये। भाई आपके पास 200 रुपये ख़रीदारी का अगर रहेगा तो आप 350 उसको बता सकते हैं, आपके पास जो है 150 रुपये ख़रीदारी का रहेगा तो आप उसे जो है 300 रुपये बता सकते हैं, उसमें से 50 रुपये 70 रुपये कम करके उसको आसानी से बिक्री कर सकते हैं। तो हर किस्म का माल जो है कम पैसे में ही जो है 4 पीस 6 पीस ख़रीदारी करना सीख लीजिए, बंडल का बंडल, और ज़्यादा ख़रीदारी ना करिए, आप कामयाब हो जाएंगे। जो है तो आज के लिए बस इतना ही करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना है, आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन